हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट कोर्सेज की, फाइव ऐसे शॉर्ट कोर्सेज जिनसे आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑन द स्पॉट, जब आप ऑस्ट्रेलिया में न्यू आते हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान होता है। कुछ ही वीक्स का जो है वो एक शॉर्ट कोर्स होता है जिसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती। जब आप ऑस्ट्रेलिया में न्यू आते हो तो आप कोशिश करें कि ये शॉर्ट कोर्स करें। वेलकम बैक। सो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट कोर्सेज की, फाइव ऐसे शॉर्ट कोर्सेज जिनसे आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑन द स्पॉट, जब आप ऑस्ट्रेलिया में न्यू आते हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइव शॉर्ट कोर्सेज। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे पांच शॉर्ट कोर्सेज की, फाइव ऐसे शॉर्ट कोर्सेज जो कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो आपको जॉब के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब आप ये शॉर्ट कोर्सेज करेंगे। नंबर वन पे होगा बैरिस्टा का कोर्स। बैरिस्टा मीन्स के कॉफ़ी मेकिंग। कॉफ़ी मेकिंग का कोर्स ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके वाले से बैरिस्टा कॉफ़ी मेकर, तो ऑस्ट्रेलिया में बैरिस्टा का कॉफ़ी मेकर का कुछ ही वीक्स का जो है वो एक शॉर्ट कोर्स होता है जिसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती। जब आप ऑस्ट्रेलिया में न्यू आते हो तो आप कोशिश करें कि ये शॉर्ट कोर्स करें। ये शॉर्ट कोर्स करने से आपको यह कि जॉब बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, आपके हाथ में स्किल आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट जो है वो कैफे भरे पड़े हैं, तो आपको किसी भी कैफे में जॉब ईजीली मिल जाती है। नंबर टू पे हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। ये मोस्टली शूट करती है गर्ल्स को, बॉयज़ भी करते हैं लेकिन मोस्टली शूट करती है गर्ल्स को, जो कि पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाल कहीं से भी आती हैं। तो उनको कोई शॉर्ट कोर्स करना है तो उसके लिए उनके लिए बेस्ट होता है फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि एक शॉर्ट कोर्स है कुछ वीक्स का है। इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन इसके चांसेस जो है कि जैसे ही आप ये कर लेते हैं, आप खुद से एक ABN पे अपनी कंपनी स्मॉल बिजनेस रजिस्टर्ड करके आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और मेरे काफ़ी जानने वाले ऐसे हैं, लड़के हैं, दोस्त फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं जो कि ये जॉब करती हैं और वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रही हैं। नंबर थ्री पे हम बात करेंगे हेल्थ केयर के मामले में, कि हेल्थ केयर के सेक्टर ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो टॉप पे चलता है, जिसमें जॉब की फैसिलिटीज़ दिन ब दिन मीन्स के इसमें कमी नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट में होंगे तो आपको बड़ी इजीली जॉब मिल जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है ना, वो आप कोई भी शॉर्ट कोर्सेज कर लें, शॉर्ट कोर्सेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और आपको जॉब की फैसिलिटी जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपके पास कोई भी शॉर्ट कोर्सेज आ जाएगा, जैसे मेंटल हेल्थ का हो गया, कोई भी शॉर्ट कोर्सेज हो गया, तो शॉर्ट कोर्स करने से ये होता है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर फोर पे आ जाता है RSA। RSA जो होता है वो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफ सर्विस ऑफ अल्कोहल। ये मोस्टली जो है ना, ये पाकिस्तानी भी करते हैं। ये होता है कि जब आपको ये कार्ड होता है RSA का, जब आपको ये कार्ड मिल जाता है तो आप किसी भी अल्कोहलिक कोई भी जॉब शॉप है, जैसे कि लिकर लैंड है, वूलवर्थ के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि अल्कोहल की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर भी ईजीली जॉब मिल सकती है। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट वन जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, विच इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हैं या आप किसी भी स्मॉल रीजनल स्टेट के अंदर हैं, आपको जॉब, अगर आपने हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया है, शॉर्ट कोर्स किया है, हॉस्पिटैलिटी का नॉलेज है आपको, किसी भी होटल्स के अंदर, सिडनी, मेलबर्न, ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पे होटल्स की डिमांड है, और आप किसी भी होटल में जाके हॉस्पिटैलिटी की जो है जॉब की डिमांड करेंगे, जॉब की रिक्वेस्ट करेंगे, आपको जॉब मिलना बहुत आसान है। तो ये फाइव ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और एक न्यूली कमर के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए उनको कोई जॉब नहीं मिलती, वो इनमें से कोई सा भी शॉर्ट कोर्स जो है वो कर ले, तो जॉब मिलने के 80 से 90% चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।